अगर तू लिबास ऐसा पाया है जिस लिबास किसी यतीम दा तू हक खाद है, अगर तेरे बदन ते लिबास ऐसा है कि जिस लिबास नाल तू किसी मस्कीन दा हक मारे है, फरमाया गोश तेरे नू अग दिया कैंचिया नाल कटिया जाएगा उस लिबास दी वजह तू जेड़ा किसी दा हक खा के तू फखर करदा है। गसब शुदा जमीन ते खलो के तू नमाज पढ़ दे, तो नमाज अगर जिंदगी वेच आ जावे तो आदल आ जांदा है। आदल अगर जिंदगी क्यों आग तौहीद आदल नबूवत आदल ओ शै जवानों के अल्लाह ने अपनी जात तो बाद असूले दीन दे मुताबिक जिस चीज नु अल्लाह ने नंबर दिता है वो नबूवत और इमामत कयामत नहीं, वो आदले। अल्लाह ऐलान कीता है कि मैं इस कायनात दी हर चीज दी जड़ी बुनियाद रखी है वो मैं आदल ते रखी है। इंसान धोखा करता है नमाज पढ़ता है, अगर इंसान बुराई करता है नमाज पढ़ता है, इंसान किसी का माल खा जाता है तो नमाज पढ़ता है, वो नमाज मुंह ते मार दी जासी। तौहीद ते तुहाडा अकीदा और ईमान उस वेले बुलंद होंदा है जदों तुसी आदल नूं नाल लै के नबूवत और इमामत दी इताअत करके ते कयामत नूं सामने रख के। जदों इंसान अल्लाह दी बारगाह विच अल्लाह अकबर आखदा है ईमान वधदा है तौहीद ते, जदों तौहीद ते ईमान वधे दुनिया छोटी हो जाना शुरू होंदी है। दुनिया दियां हर नेमतां, दुनिया दियां मरातां, दुनिया दे लिबास, दुनिया दियां कारां कोठियां जायदादां रकबे रुपए पैसे हत्ता के औलादां, औलाद भी कम तर नजर आना शुरू हो जाती है जद उस अला कुल्ले शैन कदीर दी कचारी विच अकाउंट खुल जावे। फिर दुनिया दी हर शय अल्लाह दी इताअत दे सामने छोटी नजर आना शुरू हो जाती है। जदों उस दी जात नाल लौ लग जावे दुनिया दा हर लिबास आम ते वड्डे तो वड्डा घर भी वीरान नजर आना शुरू हो जाता है।